सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा मेकओवर्स। सो ये वीडियो स्पेशली मेंस के लिए है। सो मेंस के लिए मैं कुछ 11 प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि मेंस स्टाइलिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा होल्ड देते हैं हेयर को। सो आप पार्टीज में जाते हो या फिर आप फंक्शन में जाते हो, वेडिंग में जाते हो, सो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो कि 11 प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि होल्ड के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो कि लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है पेस्ट। पेस्ट बेसिकली हमारा वेवी हेयर्स के लिए है। जिसके भी वेवी हेयर्स हैं या फिर कर्ली हेयर्स हैं तो आप पेस्ट चूज कर सकते हो। पेस्ट का होल्ड बहुत ही अच्छा होता है और आपके हेयर में बहुत अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है पेस्ट। पेस्ट आपका मीडियम से लॉन्ग हेयर्स के लिए होता है। सो अगर आपके मीडियम से लॉन्ग हेयर है तो आप पेस्ट चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छा जो पेस्ट होता है वो होता है केविन मर्फी का, जो कि आपका 2000 या 2200 तक मिल जाएगा। सेकंड है क्रीम। क्रीम बहुत ही अच्छा होता है होल्ड के लिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड चाहिए हेयर के अंदर तो जो क्रीम है बहुत ही अच्छा है। सो क्रीम आपका मीडियम से लॉन्ग हेयर्स के लिए होता है। एंड सबसे अच्छा क्रीम होता है लिविंग प्रूफ का, जो कि आपको मिल जाता है 1300 या 1400 के अंदर। सो मैं होल्ड का बता दूं, होल्ड क्या होता है। सो होल्ड होता है कि आपके जो हेयर है, आपने हेयर को किसी भी पोजिशन में सेट कर दिया क्रीम लगा के, पेस्ट लगा के, या फिर कुछ भी फाइबर्स लगा के, या वैक्स लगा के, या स्प्रे लगा के। सो लॉन्ग टाइम तक अगर हेयर होल्ड रहेगा दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सो इसको बोलते हैं होल्ड, कि जिस पोजीशन में आप हेयर को सेट कर दो उसी पोजीशन में हेयर सेट हो जाए लॉन्ग टाइम के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए हेयर प्रोडक्ट होल्ड करके रखे हेयर को। उसके बाद आता है हमारा क्ले। क्ले बेसिकली बहुत ही अच्छा है अगर आपको पॉलिशिंग लुक चाहिए। अगर आपके हेयर को आप पॉलिशिंग लुक देना चाहते हो या फिर बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक देना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो क्ले को। सबसे अच्छा जो क्ले होता है वो होता है मिस्टर नेटी क्ले हेयर प्रिपरेशन का, बहुत ही अच्छा, जो कि आपको पड़ता है 3500 या 4000 तक। और ये मीडियम से स्ट्रेट हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके मीडियम हेयर है या फिर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आप क्ले यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर एक तरह का वैक्स होता है। सो फाइबर की ये चीज़ है कि फाइबर को हम गीले बालों में यूज नहीं करते। अगर आप इसे गीले बालों में यूज करोगे तो ये हेयर को चिपचिपा कर देगा, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ही बेकार है। यानी एक तरह का जैसे कि डैंड्रफ गिरता है वैसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे अच्छा फाइबर होता है, फाइबर जो होता है वो होता है अमेरिकन क्रू फाइबर, और ये आपको पड़ता है अराउंड 1500 या 1600 रुपए का। और ये शॉर्ट से मीडियम हेयर्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ड्राई हेयर्स में यूज करना है अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड चाहिए। उसके बाद हमारा आता है वैक्स। वैक्स बेसिकली बहुत अच्छा होता है अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड चाहिए तो। लेकिन वैक्स को यूज करने का एक तरीका होता है। वैक्स को जैसे यूज करना है, वैक्स को आप बेसिकली रूट से अप्लाई करेंगे। जो रूट्स होते हैं आप वैक्स को वहां से अप्लाई करेंगे, हेयर पे हैंड पे लगा कर रब करके देन रूट से अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा वैक्स आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। वैक्स आपका शॉर्ट से स्ट्रेट हेयर्स के लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके शॉर्ट हेयर है या फिर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आप वैक्स यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा वैक्स होता है V76 का, जो कि अराउंड आपका 4 से 4500 रुपये का आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है V76 का वैक्स। उसके बाद आता है पोमाडा। पोमाडा बेसिकली आपके हेयर को बहुत ही अच्छा शाइन देता है, लेकिन आपके हेयर को मीडियम होल्ड देता है। सो आपको एक बिल्कुल ही हार्ड होल्ड नहीं चाहिए, मतलब आपको नॉर्मल होल्ड चाहिए आपके हेयर को, तो आप पोमाडा यूज कर सकते हो। पोमाडा बेसिकली स्ट्रेट से मीडियम हेयर्स के लिए होता है। वो सबसे अच्छा जो पोमाडा होता है वो होता है BYRD का हेयरडू क्लासिक पोमाडा, बहुत अच्छा होता है, जो कि अराउंड आपका 1000 या फिर 1200 तक में मिल जाता है अगर आपको मीडियम होल्ड चाहिए हेयर के अंदर विद शाइन। उसके बाद आता है 7 सी सॉल्ट। सी सॉल्ट बेसिकली एक तरह का ओशियन वाटर होता है बॉटल के अंदर। सी सॉल्ट बेसिकली सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि आपके हेयर में बहुत ही अच्छा नेचुरल वॉल्यूम क्रिएट हो। सो सी सॉल्ट बेसिकली सबसे बेस्ट होता है आपके थिनिंग, यानी कि पतले, और जिसके काफ़ी ज़्यादा पतले हेयर हैं, थिन और थिनिंग हेयर्स के लिए होता है। और सी सॉल्ट जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है डिवाइंस का, जो कि अराउंड आपको 1600 या 1700 में मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 8th पे हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे बेसिकली हमारे हेयर को लॉक करके रखता है। लाइक जब आपने हेयर को किसी पोजीशन में सेट कर दिया तो अगर आप स्प्रे करते हैं हेयर पे तो वो उस सिचुएशन में लॉक हो जाता है। सो उसको बोलते हैं हम हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा होल्ड प्रोवाइड करता है। जिस सिचुएशन में या फिर जिस पोजीशन में आपको हेयर को सेट कर दोगे स्प्रे से, वो उस पोजीशन में सेट रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। सो सबसे अच्छा ये जो होता है स्प्रे, वो बेसिकली मीडियम से लॉन्ग हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा स्प्रे होता है बैडहेड का TG, जो कि आपको अराउंड 1000 या 1200 का मिल जाएगा। उसके बाद आता है जेल। जेल बेसिकली आपका ओल्ड फैशन हो चुका है। सो जेल को आप, जेल की जगह आप और भी चीज़ें, पेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्रीम यूज़ कर सकते हो, फाइबर वैक्स यूज़ कर सकते हो जेल की जगह। जेल बेसिकली आपका मीडियम से लॉन्ग हेयर्स के लिए होता है, या फिर आप इसे शॉर्ट हेयर में या फिर स्ट्रेट हेयर में भी यूज़ कर सकते हो। सो जेल आपका 180, 200, 300 तक में मिल जाता है।
उसके बाद आता है हमारा ऑयल। ऑयल बेसिकली बहुत ही अच्छा होता है, जो कि अगर आप हेयर को डेफिनेशन लुक देना चाहते हो, बहुत ही फिनिशिंग लुक देना चाहते हो, सो एक या दो ड्रॉप आप ऑयल की लगा सकते हो। ऑयल आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा, जो कि लॉन्ग हेयर्स और मीडियम हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है हेयर के अकॉर्डिंग, तो आप मेरी ऑयल की वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है ऑयल के बारे में। लास्ट आता है मूज। मूज बेसिकली जैसे हमारी शेविंग क्रीम होती है, शेविंग फोम होती है, तो वैसा ही मूज होता है। मूज आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा होल्ड देता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। सो ये आपके पतले हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और थिन हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर फाइन हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो सबसे अच्छा जो मूज होता है वो होता है ट्रेसमे का थर्मल क्रिएशन। सो ये आपको अराउंड 3000 तक में पड़ जाएगा। सो ये कुछ मेंस के लिए प्रोडक्ट्स थे आपके हेयर स्टाइलिंग के लिए। सो अगर आप बहुत ही अच्छा होल्ड चाहते हो, शाइन चाहते हो हेयर के अंदर, और बहुत ही अच्छा लुक चाहते हो, बहुत फाइन लुक चाहते हो, सो आप इसमें से प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, जो भी आपको हेयर के अकॉर्डिंग लेना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।